Just speechless. हेलो जी, अ वेरी वेरी गुड एंड अ वेरी वेरी अर्ली मॉर्निंग वंस अगेन फ्रॉम मुंशियारी। हमारा स्टे वही है मुंशियारी द रूफटॉप। काफ़ी सही लोकेशन मिल गई हमें। बात कुछ ऐसी है कि यार आज हम फाइनली निकलने वाले हैं, मैं एक जूता पहन लूँ, हाँ तो हम फाइनली आज निकलने वाले हैं मुंशियारी की दी मोस्ट हैपनिंग लोकेशन, दी मोस्ट फेमस लोकेशन जो कि है खलिया टॉप। कल रात को हम कैफ़े में बैठे थे, सोल कैफ़े में। अमेजिंग एम्बियंस था वहाँ पे। फिर भी बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो एक बारी वहाँ पे ज़रूर जाइए, मज़ा आएगा। एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि यार हम सुबह जल्दी निकल के आज ही शाम को वापस आना चाहते हैं। हम स्टे नहीं करेंगे अगेन ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट्स। हमें कल निकलना है दिल्ली के लिए, सो जल्दी निकलेंगे और जल्दी आएंगे। एक चीज़ और है यार, जिन लोगों को हमने रात को बोला था, जिन बच्चों को रात को बोला था कि भाई आप हमारे साथ चल लेना, उनको हमने मना कर दिया बिकॉज़ यार थोड़ा फिजिबल भी नहीं लग रहा था। और फिर जो कैफ़े वाले उन्होंने भी बताया कि यार ऊपर गाइड जो है ले जाना ज़रूरी है, कुछ हो गया था, 3-4 लोग खो गए थे, तो उसकी वजह से हमने चांस ना लेते उनको मना कर दिया। वेरी 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 थैंक्स टू सौरभ, चिंटू, जिन लोगों ने इतनी दूर आके, मतलब हमारी कोई जान पहचान नहीं थी पर फिर भी वो चलने के लिए तैयार हो गए। बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय बात है ये। और सबसे बड़ी बात है वो दा करके बोलते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। यू नो, सुबह सुबह का नज़ारा देख लो एक बारी। ये जो सामने पंचाचुली की रेंज है बहुत ही ब्यूटीफुल है और कहते हैं कि खलिया टॉप से भी बहुत सुंदर नज़र आती है। तो यहाँ से क्या पता लगेगा, अच्छा लग रहा है यहाँ से भी पर इतना नहीं पता लग रहा, तो उसके लिए हमें जानने के लिए जाना पड़ेगा खलिया टॉप। सो अपने ट्रैक को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। सो आज हमारी बाइक्स हमारे साथ में जा रही है, आज हमारी जा रही है गाड़ी। और अभी आपको मिलवाते हैं कि भाई हम किसके साथ जा रहे हैं। So you know the best thing about travel is making friends and एक friend हमारे बन गया भट्ट साहब। Hi guys। पिथौरागढ़ से हैं और अब हम सब मिलके साथ में तीनों जने ट्रैक करने वाले हैं। ये जो है खलिया द्वार है, यहाँ से स्टार्ट होगा। आई थिंक सामने रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो चेक करते हैं अभी क्या करना पड़ेगा और फिर आगे का जो रास्ता है उसको कवर करते हैं। यार ये है काउंटर। और आपका नाम क्या है सर? कुंदन। कुंदन जी, कुंदन जी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, या कोई और भी बैठते हैं यहाँ पे? हाँ, साथ वाले हैं या फिर कुंदन जी मिल जाएंगे। बेसिकली क्या है, यहाँ पे 20 रुपीज़ की जो है इको फीस है और इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। प्लस 50 रुपीज़ की हमने स्टिक ली है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप प्लास्टिक कैरी कर रहे हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्लास्टिक कॉमोडिटीज़। तो प्लास्टिक के लिए सिक्योरिटी 100 रुपीज़ ये लोग लेते हैं और जब आप वापस आओगे तो वापस भी मिल जाते हैं। बट बी रिस्पॉन्सिबल। सुंदर ट्रैक है काफ़ी, बहुत सुंदर जगह है, तो प्लास्टिक ना ही यूज़ करें तो बढ़िया है। सो एक चीज़ और पूछनी थी सर, जैसे हमें अभी नीचे बताया था कि भाई गाइड मैंडेटरी है, तो ऐसा कुछ है क्या? है, गाइड भी होता है, लेते हैं, पर लेकिन अभी इस बार ऐसे में कोई मौसम में कोई गाइड का मतलब जरूरत नहीं है। ओके, मतलब बेसिकली मौसम पे डिपेंड करता है। बर्फ पे क्या होता है कि आदमी इधर उधर चले जाते हैं, रास्ता बना रहता है, जानवर चलते हैं, तो लोग सोचते हैं कि जहाँ पर उनकी ट्रेल बनी हुई वहीं पे चल देते हैं। तो बेसिकली कहने की बात यह है कि भाई मौसम अगर खराब है तो गाइड की जरूरत है, नहीं तो आप खुद कर सकते हैं ट्रैक। ठीक है, थैंक यू। चलो यार स्टार्ट करते हैं। मेरे ग्रुप वाले बहुत आगे से निकल गए हैं थोड़े। देख लो यार, इनिशियल जो स्टेप्स हैं, इनिशियल जो स्टार्टिंग चीज़ें हैं खलिया टॉप की वो ये थी और इनिशियल जो नज़ारे हैं वो ये हैं। आगे जैसे जैसे चलेंगे नज़ारे खुलते जाएंगे एंड वी गोना एंजॉय। तो यार अभी कुछ 200-300 मीटर ही मैं चलाऊँगा और देखो सांस कैसी फूल रही है। ये बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई वार्म अप नहीं किया था, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बॉडी वार्म अप होती रहेगी और ये सांस फूलना भी कम हो जाएगा। अभी ऊपर से एक झरना आ रहा है और ये नीचे की तरफ यूँ जा रहा है। सो जैसा सुना था वैसा अमेजिंग हो ही रहा है। मुझे याद है केदारकंठा के वो दिन, वो भी एक अमेजिंग ट्रैक था। उसी तरीके से ये भी लग रहा है कि आगे आगे जाके खुल जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो गाइस अभी लगभग 500 मीटर के आसपास हम चल चुके हैं और यहीं पे हम रुके हैं। एक छोटा सा पॉइंट मिल गया था जस्ट टू हैव अ सिप ऑफ वाटर। ये चीज़ अभी लास्ट टाइम जब लास्ट ट्रैक मैंने किया था, कब किया था, हाँ वैष्णो देवी का भी ट्रैक ही था, वो चढ़ाई थी, और उससे पहले केदारकंठा वाला। तो हमें बताया जाता है कि भाई पूरा पानी एक साथ मत पियो, एक एक सिप लो तो आप सही रहोगे पूरे रास्ते में। अगर ज़्यादा पानी एक साथ पी लोगे तो पेट भारी हो जाता है, तो चढ़ने में दिक्कत होती है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप जैसे जैसे ट्रैक्स पे करेंगे आगे जाएंगे तो पता लगती रहेगी। मुझे पता लगी, मैंने बता दिया। बाकी नज़ारे खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। गोप्रो थोड़ा जस्टिस नहीं करेगा, बट जो देख रहे हैं वो वाकई में काफ़ी अच्छा है। चढ़ोगे ना आपको दिक्कत होगी। सॉफ्ट बिल्कुल। कौन सी जगह से आप? दिल्ली से सर। दिल्ली, वाह वेरी गुड। ओके चलो बेस्ट ऑफ जर्नी, थैंक यू। सो यार पहला साइन बोर्ड हमें दिख गया है, यानी अभी हम सिर्फ 1 किलोमीटर चले हैं। हो क्या रहा है कि थकान इतनी नहीं हो रही, पर जो नी में मेरे प्रॉब्लम चल रही थी, जो स्ट्रेच आया था ना, उसकी वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है। पर ऐसे रास्तों में अपने आप को मोटिवेट करते रहो, थोड़ा रुकते रहो, जैसा अभी भट्ट साहब रुके हुए हैं यहाँ पे, और ये भी रुका हुआ है, हम भी रुके हुए हैं। तो 1 किलोमीटर डन, 5 more kilometers टू गो, कर लेंगे। सो यार अभी जो है हम अराउंड 2-2.5 किलोमीटर चल चुके होंगे। रास्ता कट ऐसे रहा है कि भाई आपस में 3 यार किससे शेयर कर रहे हैं, और शायद यही होता है ट्रैक पे एक ग्रुप के साथ आने में फ़ायदा। सोलो जो लोग आते हैं कान में ईयरफोन्स लगा के, एक गाय मिला था मैं, निकलता जा रहा है, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस है। पर आई वुड से दैट ये एक्सपीरियंस बेटर है। मज़ा आ गया। इस पॉइंट पे आके फाइनली हमें कुछ दिखा है जहाँ पे शायद मे भी हो सकता है आज का ब्रेकफास्ट। हाँ आपको भी दिखाऊँ? नहीं 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 नहीं, वो तो वहाँ पे पहुँच के दिखाएंगे। क्यों भट्ट साहब? बिल्कुल। क्या हालत है, हैं? यस। एक्चुअली क्या है, हाइट का इतना इशू नहीं हो रहा कुछ, बस थोड़ा ये कि कुछ खा लेंगे ना तो बढ़िया हो जाएगा। सो यार होपफुली ये दिख रहा होगा, कितना सुंदर लिखा हुआ है। और ये लिखा है कॉस्मोस ट्रैक वालों ने। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, हमें भी था कि भाई अगर हम ऊपर स्टे करेंगे तो कैंपिंग वगैरह या रूम्स वगैरह कैसे मिलेंगे। तो ये जो कॉस्मोस ट्रैक वाले हैं, यही यहाँ का सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। बेसिकली आपको करना क्या है, ये नंबर्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बुकिंग या स्टे यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड होता है सीज़न में, तो भीड़ ऑब्वियस सी बातें होगी। तो पहले बुक करके आइए, नहीं तो अपने अगर कैंप्स लाना चाहते हैं, जैसे आप देखिए लगे हुए हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये तो इन्हीं के हैं। बाकी बता रहे थे कि अगर आप अपने भी लाना चाहते हैं तो उसकी भी अरेंजमेंट हो जाती है, पर बेटर यही है कि यार जो लोग हार्डकोर ट्रैकर नहीं है हमारी तरह, वो पहले बुक करके आए और अपने स्टे में रह के इस ब्यूटीफुल सी वैली का ना नज़ारा ले। मन ही नहीं भर रहा यार, बार बार इसको ही शूट कर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ही मतलब एहसास इतना बढ़िया हो रहा है यहाँ पे आके कि यार क्या ही बताऊँ। अब ऊपर की तरफ चलेंगे, खलिया टॉप और बुर्गयाल, शायद बुर्गयाल ही बोलते हैं, इधर ऊपर जाके पता लगेगा। सो चलते हैं भाई। नाश्ता पानी बढ़िया हो गया, मैगी खा ली, चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, और क्या चाहिए यार ज़िंदगी से, और क्या चाहिए। जैसे ऊपर चलते जा रहे हैं वैसे वैसे नज़ारे बदलते जा रहे हैं। और ये एक बोर्ड लगा हुआ है इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन कॉल हेयर। इमरजेंसी मेरे साथ हो रही है क्योंकि आगे जो एक बोर्ड है वो ज़्यादा ही इमरजेंसी कर देने वाला है। इस पर लिखा है अभी भी खलिया टॉप 3 किलोमीटर है यार। थक चुका हूँ भाई, मैं थक चुका हूँ। और बस ये जो व्यूज़ है ना, दीज आर कीपिंग मी अलाइव। कुछ नहीं भाई, चलो चलते हैं, करना तो है पूरा तो करेंगे ही। तो एक्चुअली गाइज सही में यार, जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो थकान पीछे हो रही थी ना, ख़त्म होती जा रही है और एक्साइटमेंट जो है बढ़ती जा रही है। और नज़ारे वाह, नहीं सोचा था यार कि लाइफ में कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा। मन तो कर रहा है बस, इसी पत्थर पे अभी बैठा था, यहाँ पे यहीं पे ज़िंदगी गुजार दूँ। चलो भाई चलो चलते हैं, थोड़ा सा रह गया है। और मेरे फ्रेंड्स निकल गए आगे। एज़ यूजुअल हम अपनी पेस से चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लिटरली यार, नो वर्ड्स, नथिंग, जस्ट स्पीचलेस। बोला भी नहीं आ रहा यार। जस्ट स्पीचलेस। खैर आप लोगों को डिस्पॉइंट नहीं करूँगा, पर मेरे अंदर तो पता नहीं बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स चल रही हैं। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो। बट यहाँ के पहाड़ कुछ ऐसे हैं। एंड उस तरफ देखो, मैं स्टॉप नहीं करूँगा वीडियो, पर कुछ बोलने लायक है नहीं यार मेरे पास लिटरली। आप देख लो यार, खुद ही देख लो। वाओ वाओ, लिटरली वाओ। लाइक इतनी ऊंचाई पे हो जाता है यार, मन में पता नहीं क्या ही होता है। सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ कुछ तो कमी है। पता नहीं वो कमी कहाँ जाके पूरी होगी, आई डोंट नो। वो वाली है पंचाचुली रेंज पूरी, एंड आई डोंट नो ये वाली रेंज का नाम क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है और उल्टा फुल्टा बताने से कुछ फ़ायदा नहीं है। एंड दैट इज़ दी हिल टॉप। हिम्मत करके चलते हैं वहाँ पे। खुश रहो भाई, खुश रहो। शायद ये ज़िंदगी, ये पल ना मिलेंगे दोबारा। आ सकते हैं दोबारा, पर ठीक है, फर्स्ट टाइम इज़ दी फर्स्ट टाइम ही होती है। और फर्स्ट टाइम में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो हमेशा याद रहती हैं। तो यार ये व्यू जो है, आपने चेकआउट तो कर ही लिया होगा, होपफुली ड्रोन शॉट्स भी अच्छे होंगे। एंड यस, हम तीनों ने भाई, तीन भाइयों ने फाइनली वी मेड इट टू दी खलिया टॉप। 0 पॉइंट पे नहीं जा पाए, बट यस जा नहीं पाए, जाने का मन नहीं करा। मन नहीं करा, सही बात है। ठीक है यार, व्यूज़ यहाँ से भी अच्छे आ रहे हैं, बाकी तो ये बता ही देगा भाई। यार देखो, मेरे हिसाब से ना, अगर आप ट्रैक कर रहे आ रहे हो और आपको वो कहते हैं ना, एक वो पॉइंट है, यू गेट द ग्रेटेस्ट व्यूज़ आफ्टर दी हार्डेस्ट क्लाइम। ठीक है, तो हार्डेस्ट क्लाइम हमारे लिए यही थी। हार्ड इतनी हार्ड नहीं थी, बट हमें व्यू का मज़ा मिल गया, हम यहाँ पर रिलैक्स कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर मुझे लगा नहीं कोई और पॉइंट जाना चाहिए। आप लोग जा सकते हो सामने की तरफ से। हाँ तो क्या है भाई, अब इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे। इनफैक्ट इस ट्रिप को, इस सीरीज़ को पूरी को यहीं पे एंड करेंगे। इसके बाद जो है हम कल निकल जाएंगे दिल्ली के लिए, और जो रूट देखेंगे, जो रूट समझेंगे वो दिखा देंगे आपको भी। तो आई होप गाइस ये सब चीज़ें आपको बहुत बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो ठीक है भाई, जो करना है कर देना, आपको तो पता ही है। सो ठीक है यार, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए एडवेंचर के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल।